हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी चटपटी सौंठ। जैसे कि आप शादी पार्टियों में देखते हैं ना, बिल्कुल ये वही वाली सौंठ है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इसको बनाएंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की रेसिपी से। और बहुत ही टेस्टी सौंठ लगती है, हर तरह के चाट का स्वाद ये बढ़ा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सौंठ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है इमली। मैंने 200 ग्राम इमली ली है। इसमें 2 गिलास में डाल देती हूँ पानी और इसको एक उबाल लगा देते हैं। और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी करीब 2 घंटे के लिए। उससे हमारे अच्छे से फूल जाएगी। आप चाहें तो इसको रात में ही भिगो के रख सकते हो, उसमें उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए मेरी 2 घंटे बाद अच्छे से बिल्कुल बढ़िया सी देखिए मैश हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ और मैश करके इसको छान लेंगे हम। किसी भी चलनी में डाल के आप इसको छान लीजिए, किसी चम्मच से या हाथ से अच्छे से आप इसको छान लीजिए। और नीचे हमारा इमली का पल्प तैयार है। अब लेते हैं पैन, उसमें डालते हैं अपना इमली का पल्प। साथ ही में ले ली मैंने चीनी। अब इसके बाद डालते हैं मसालों में। पहले मिर्ची डाल दी मैंने इसमें। अब इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा धनिया। धनिया के बाद ले ली मैंने थोड़ी सी सौंफ, पिसी हुई सौंफ है ये। इसको भी 2 चम्मच ले लिया। सौंफ और धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेते हैं। ये सभी मसाले ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है मैंने, ये भी पिसी हुई है। साथ में ले ली थोड़ी सी हींग। अब लेते हैं नमक। नमक हम इसमें दोनों प्रकार का डालेंगे, सफ़ेद भी और काला भी। बस इन सब मसालों का आप ध्यान रखिएगा, मेन इसी मेज़रमेंट के साथ अगर आपने डाला ना, तो आपकी सौंठ बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बनेगी। बस मेन यही है, ये तरीका आप इसी तरीके से आप बनाएं, बहुत जल्दी बनके देखिए तैयार हो जाती है। हमने पल्प में फटाफट फटाफट सब सामान डाले। इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया और इसको एक उबाल लगाना है बस। चीनी घुलने तक हमें पकाना होता है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है क्योंकि हलवाई लोग फूड कलर जरूर डालते हैं। जब भी कलर बिल्कुल शादी पार्टी में देखा कितना बढ़िया आता है सौंठ का, देखिए हमारा कलर कितना प्यारा हो गया। उबाल आने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा। मैंने इसमें कटे हुए थोड़े से काजू बादाम किशमिश ले लिए, थोड़े से बीज भी डाल दिए हैं। अब बस इसको हल्का सा मैं मंदी गैस पर 2-3 मिनट और पकाएंगे। बाकी इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होकर ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती है। तो लीजिए, नाउ इट्स डन। हमारी सौंठ बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इस सौंठ को दही सौंठ की पापड़ी में यूज़ कर सकते हैं, दही बल्लों में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की चाट में आप इसको यूज़ करिए। तो ये सौंठ जो है हमारे हर तरह के खाने का स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, हमारी हलवा स्टाइल शादी पार्टी वाली सौंठ बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरीके से एक बार सौंठ ज़रूर बनाकर देखें, खाएँ और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।